हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम मॉसरोस और पर्सलिन के बारे में बात करेंगे। ये सारे मेरे पिछले सीजन के प्लांट हैं और आप ये देख रहे हैं इनकी हालत कैसी हो चुकी है, क्योंकि जो विंटर सीजन था वो इनका डोरमेंसी का पीरियड रहता है, इसलिए ये सब इस तरह से हो रखे हैं। इसकी बहुत सी ब्रांचेस ऐसे सूख गई, लेकिन अब धीरे धीरे गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है तो इनका जो वापस ग्रोइंग सीजन है वो स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं जैसे ये थोड़ी थोड़ी इसमें नई ग्रोथ भी चालू हो गई है। तो हम कैसे इनको अपने नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार करें, उसी पे आज ये वीडियो है। तो इनको तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आप जो भी इनकी जो सूखी हुई ब्रांचेस है उनको इस तरह कट करके अलग कर लें, और या फिर आप इनको पूरा पॉट से निकाल के और वापस से रिपॉट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये जितनी भी इसकी सूखी हुई ब्रांचेस है उनको कट कर लीजिए। कट करेंगे तो उसमें से नई नीचे से ग्रोथ निकलेगी और फिर उसी में फ्लावरिंग होगी। तो देखिए, मैंने इनकी सबकी कटिंग कर दी है, और ये देखिए मैंने पहले DIY बॉटल बनाई थी, इसमें से भी मैंने थोड़ी थोड़ी काट के हटा दी है। अब इसमें से नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और जो अभी हमारी कटिंग्स निकली है इनको फेंकना नहीं है, इससे आप कटिंग लगा सकते हैं। आप कोई भी ऐसे गमला लीजिए और इसमें इसकी छोटी सी छोटी कटिंग लेंगे तो वो भी चल जाएगी। और जो ये मॉस रोज होता है या पर्सलिन होता है वो बहुत हार्डी होता है, इस तरह आप इसको लगाएंगे तो इसमें 4-5 दिन में ही रोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरे बहुत सारे कलर के थे, पिंक, मजेंटा, येलो, वाइट, बहुत सारे कलर के थे, लेकिन अभी ये तो फ्लावर जब आएंगे तभी पता पड़ेगा कि कौन से किस कलर की है। मैंने मिक्स करके लगा रखे थे, बस आप इस तरह लगा दीजिए इसमें, और इसमें 5 से 6 दिन में ही रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये बहुत हार्डी होता है, जल्दी से खराब नहीं होता है। और ये हमारा जो पर्सलिन है, जिस तरह अपन ने इसकी कटिंग करी थी, अब मैं इसकी भी कटिंग कर दूंगी। और ये देखिए, इस तरह जो भी सूखी ब्रांचेस है जिसपे पत्तियां नहीं है वो सब हटा देंगे। देखिए, जैसे अभी गर्मियां स्टार्ट हुई है तो भी इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। वैसे तो पर्सलिन में थोड़े बहुत फूल भी आते थे, लेकिन विंटर्स में इनके जो फूलों का साइज है वो थोड़ा छोटा रहता था। देखिए, मैंने इस पर्सलिन की भी कटिंग कर दी है और इसकी भी ये इतनी सारी कटिंग हो गई। इससे आप चाहे जितनी कटिंग्स बनाई है, ये बहुत छोटे से छोटे, जैसे ये मेरे डिस्पोजल डब्बा होता है उसमें लगा हुआ है, ये भी चॉकलेट का डब्बा खाली था उसमें, आप किसी भी तरह से टूटे हुए कप में, किसी भी तरह से छोटे पॉट में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से चलता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। गर्मियों में तो इनके जो कलर्स होते हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, और ये धूप में भर भर के फ्लावरिंग करता है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी ये कंपोस्ट है ये दे देंगे, ताकि ये जो मिट्टी है इसकी वो वापस से रिचार्ज हो जाए। इस तरह थोड़ी थोड़ी सी लेके सब में दे देंगे, ऐसे पर्सलिन में भी डाल देंगे। और इसके अलावा जो भी हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते रहते हैं, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ घर में बने हुए लिक्विड फर्टिलाइजर, वो भी आप इसमें देते रहिए तो इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो जाएगी। और ये जो DAP है, इसके 4-4 दाने, ये 4 से 5 दाने लेके और इसमें इस तरह से डाल दीजिए, इससे नई नई पत्तियाँ निकलेगी और नई नई ब्रांचेस भी निकलेगी। तो जितनी ब्रांचेस निकलेगी उतनी फ्लावरिंग होगी। सब में कुछ कुछ दाने लेके सारे में डाल देंगे, और इस तरह इस बॉटल में भी डाल देती हूँ। बस इस तरह आप अपने भी पर्सलिन और मॉस रोज को नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार करें और बहुत अच्छे से फूल पाएं। बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ।